नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। हापुड़ के गांव शेखपुर की गौशाला की आज आपको तस्वीर बताएंगे, जहां तस्वीरें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल शेखपुर गांव में गौशाला में गायों की हालात बेहद खराब है। आप पहले हापुड़ की यह तस्वीरें देखिए। हे गौरक्षको, गाय माता को बचा लो। हे गौरक्षको, देख लो कैसे गौशाला बनी मौतशाला। हे गौरक्षको, खोज लो कैसे गौशाला के अंदर बना कब्रिस्तान। गाय के नाम पर इंसानों का कत्लेआम करने वाले इस वीडियो को ठीक से देखिए। यह हापुड़ जनपद के शेखपुर गांव की तस्वीरें हैं। रूह कांप जाएगी, यकीन नहीं होगा कि ये गायों की दुर्दशा है। उस धरती पर जहां गायों के नाम पर इंसानों का कत्लेआम होता है, संसद से लेकर सड़क पर हंगामा होता है, गौरक्षा के नाम पर दिन दहाड़े इंसानों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, वो लोग आज कहाँ हैं? पुड़ के शेखपुर गांव में आए दिन गाय मर रही हैं, लेकिन आज तलक गोई गौरक्षक भटने नहीं आया। गांव के जिन लोगों ने आवाज उठानी भी चाही तो उनकी आवाज कानून के द्वारा दबा दी गई। शेखपुर गौशाला की तस्वीरें इतनी दर्दनीय हैं, जिन्हें हम साफ साफ दिखा भी नहीं सकते हैं। हमें गाय मरी हुई, वो भूख से तड़प रही थी या फिर जख्मी होकर इधर उधर भटक रही थी। पहले भी गांव से आवाजें उठी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा चोरी या अन्य किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। इसीलिए आप लोग सच जानकर भी मौन हैं। अगर ठेकेदार को लगता है कि गौशाला में मरने वाली गाय का कोई मामला लीक होता हुआ, तो उसी गौशाला के अंदर गाय का कब्रिस्तान बना देते हैं। सूत्रों से सूचना मिली है कि ठेकेदार का ये भी कहना है कि उन्होंने काफी बार जिलाधिकारी को शिकायत पत्र द्वारा मना भी किया है कि उन्हें ये गौशाला नहीं चलानी, लेकिन फिर भी मजबूरन चलानी पड़ रही है। लेकिन सवाल तो यह उठता है, जो लोग गौरक्षा के नाम पर राह चलते लोगों को कत्लेआम कर देते हैं, वो कहाँ हैं? गाय के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाले लोग कहाँ हैं? इसीलिए आप साफ कह सकते हैं कि शेखपुर का ये गौशाला मौतशाला है। जो गाय जिंदा बची है उनकी हालात देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कुछ दिनों की मेहमान है। आपको नहीं लगता है कि गायों की ऐसी दुर्दशा करने वाले ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? हापुड़ जनपद से विनीत कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं हापुड़ जिले से ग्राम शेखपुर का निवासी हूँ। और पहले मैं इस गौशाला में काम भी करता था और मैंने यहाँ का विरोध देखा। रोज ही हमारी गौ माता मर रही थी, तो हमने उनसे शिकायत करी और तो हमें ज़बरदस्ती ही इनसे निकाल दिया गया ठेकेदार द्वारा। सर, यहाँ जो भी कोई विरोध करता है इस गौशाला पर जी, उन पे ठेकेदार मुकदमा चढ़वा देते हैं। अच्छा, क्योंकि वे कहते हैं कि मेरा किस पे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अच्छा। और पहले भी एक मामला पड़ गया था, उसमें लाइट चोरी में ठेकेदार ने अपने आप ही लाइट लेके तार के। अच्छा, मेरे भी तरवाई मेरे जो कह दिया तो जुआन खोलेगा तो तुझे और फंसवाऊंगा। मैंने फिर भी इनसे गाँव के इनसे गाँव से बताया था, इनने मेरे पे भी और उन पाँच छः गाँव के इन पे भी बेचारे सब ले फंसवा दे, मुझे भी अपनी जमानत करवानी पड़ी। जी, मेरा नाम बबली चौधरी है, गांव शेखपुर जिला हापुड़ निवासी जी। इस गौशाला में बहुत अनियमितता देखी हमने ठेकेदार द्वारा। अगर कोई विरोध करता है या कहता है तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे या चोरी की रिपोर्ट लगवा देता। आप पीछे कई बार लगवा चुका है, गौशाला के अंदर देखा मैंने, आज भी मैं देख आया हूँ, मतलब गौशाला के अंदर ही गाय दब जाती है।